यदि भगवान होते तो आजकल लोग इतने दुखी क्यों हैं? कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई गरीबी से जूझ रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश से डूब रहा है कोई, ऐसा क्यों है? बीमारियां पड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं। यदि भगवान है तो ये सब क्यों हो रहा है? भगवान बचा क्यों नहीं रहे? क्यों? अच्छा ये बताओ, अब आप एक छोटी सी बात समझो, महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? कितने? कम से कम 3 करोड़ लोग, कम से कम करोड़ों लोग मारे गए। महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए? करोड़ों। अब आप सवाल कीजिए, कोरोना आया, उस कोरोना में करोड़ों लोग नहीं मरे, महाभारत में करोड़ों लोग मरे। अब आप कहो कि जब भगवान है तो ऐसे लोग मरते क्यों हैं, भगवान बचाते क्यों नहीं? तो एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में तो खुद भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे वहां पर, फिर भी लोग मर रहे हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जब भगवान है तो बचा क्यों नहीं रहे हैं? देखो, जो कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपकी मनमानी है, ईश्वर ईश्वर कैसे काम करते हैं, मैं काम करने का तरीका बता रहा हूं ईश्वर का, फिर आप समझ पाएंगे मेरी बात। आप जब एग्जाम देते हैं 10वीं का 12वीं का कोई भी, तो एग्जाम जब आप देते हैं ना, तो आप जो लिखते हैं कॉपी में, वहां पर आपने देखा होगा टीचर घूमते रहते हैं, वो देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। क्या आपको टीचर रोकता है कि ये गलत लिख रहे हो, सही लिखो? और आप सही लिख रहे हैं तो पीठ पर हाथ मारता, वाह 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 सुंदर लिख रहे हो, तो हाथ मारता है एग्जाम के टाइम पर जोर से? नहीं। एग्जाम के टाइम पर जब बच्चे अपनी कॉपी में फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उस समय टीचर वहां पर होते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते, आप अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, वो केवल देखते हैं। एग्जाम आप आज देंगे तो परिणाम महीने भर बाद आएगा, हाँ या ना? टीचर कुछ कहेगा। इसी प्रकार जब आप बुरा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो ईश्वर, आप बुरा कर्म करते हैं तो भगवान रोकते नहीं टीचर की तरह, अच्छा कर्म करते हैं तो पीठ नहीं थपथपाते। आप अभी कर्म करो, स्वतंत्र हो आप, कर्म, ये कर्म भूमि है, कर्म करो, लेकिन कर्म तुम्हारा होगा, फल मेरा होगा, परिणाम मेरा होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तू कर, फल मैं दूंगा। बताओ, कर्म करने के लिए आप क्या हैं? मैया आप बताओ, आप क्या कर सकती हो? आपके बगल में बैठी बहन से पूछो, बेटा आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में कर्म है या फल है कर्मों का? क्या है आपके हाथ में? कर्म है। आपके हाथ में क्या है बेटा? कर्म। हमारे हाथ में क्या होता है? केवल
कर्म। अब कर्म हमने जो किया उसका फल किसके हाथ में है? अब बताओ किसके हाथ में? ईश्वर। इसलिए जो भी हमारे साथ होता है अच्छा या बुरा, वो हमारे किसी ना किसी जन्म के किसी ना किसी समय के कर्मों का फल है। अब आप कहो भगवान ने हमें इतना दुख दिया। भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारे किसी ना किसी टाइम का कर्म फल है ये। महाभारत में जो लोग मरे उनका कर्म फल था, भगवान ने तो मना किया था दुर्योधन से महाभारत ना करो, शांति दूत बनकर गए थे, क्यों नहीं माने आप? कर्म किया ना भगवान ने, अच्छा अब नहीं मानोगे तो फल आएगा। भगवान ने कर्ण को मना किया कि तुम कौरवों का साथ मत दो, पांडवों का भी मत दो, दूर जाओ ना करो युद्ध, क्योंकि तुम गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हो। जो व्यक्ति किसी की बहन बेटी के कपड़े उतारता हो वो आदमी सही नहीं हो सकता, और कर्ण तुम अच्छे हो, तुम्हें ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। भगवान ने बर्बरीक का सिर काटा क्योंकि बर्बरीक से पूछा कि तुम किसका साथ दोगे, बोले जो हारता रहेगा उसका साथ दूंगा। भगवान ने सिर काट दिया कि हारेगा तो दुर्योधन, तो क्या तुम दुर्योधन के साथ ही बनोगे, इसलिए सिर काट दिया। गलत का साथ नहीं, समझ में आ रही है? गलत का। और जो हम भोग रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है अच्छा या बुरा, वो सब हमारे ही अपने। आप बताओ मैया, आप बताओ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? मेरी माँ बताएंगी। द्रौपदी के चीरहरण में सहयोगी थे, ठीक है खड़े तो थे ही ना, सहयोग तो नहीं किया पर खड़े थे, ठीक है। इसे आप इच्छा ही मानेंगे और क्या कहेंगे। पितामह को चाहिए था कि दो चार थप्पड़ मार के दुशासन को द्रौपदी की लाज बचाते, नहीं बचाए। आपकी बात सही है, लेकिन एक कारण और है। हाँ, भीष्म पितामह ने कुछ जन्म पहले, फिर से दोहराओ कितने जन्म पहले, कुछ लोग कहते हैं 100 जन्म पहले, कुछ लोग कहते हैं 21 जन्म पहले, तो 21 और 100 की संख्या में ना जाएंगे, बस कुछ जन्म पहले भीष्म पितामह ने एक सांप को, सर्प स्नेक को उठाकर कांटों के ढेर में फेंका, तड़प तड़प करके सांप मर गया, जिसके कारण तुमने कर्म किया किसी जन्म पर और फल मिला किसी जन्म में। तो आपके जो आज फल मिल रहा है अच्छा या बुरा, वो किसी ना किसी जन्म का फल है। है ना मेरी माँ? इसलिए जो हमें मिले भगवान, अब आप कहे अरे भगवान दोषी हैं, भगवान थोड़ी दोषी है, भगवान है तो रोका क्यों नहीं? अरे एग्जाम आप देते हैं, टीचर रोकता है क्या कि तुम मत लिखो ये? अरे तुम लिखो अच्छा बुरा सही गलत, एग्जाम आज दो फल बाद में आएगा। टीचर रोक दे तो एग्जाम किस बात का भाई? इसलिए आप अपना कर्म करो मेरी माँ। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, बुरे का परिणाम बुरा आज नहीं दिख रहा है अच्छा है, ईश्वर ना तुरंत नहीं देते। बच्चे ने आज एग्जाम दिया है ना, तो आज दिया तो आज ही रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा दसवीं बारी में तो टाइम लगता है, और अन्य परीक्षाओं के भले तुरंत, आज जो कंप्यूटरी है वो तुरंत परिणाम आ जाता है, तुरंत आने वाली भी है कि आपने किया तुरंत नंबर आ गया। पर हम वो एग्जाम की बात करते हैं जो
15 दिन बाद 20 दिन बाद आता है। ईश्वर आज जो आप कर रहे हैं अच्छा बुरा आएगा। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, आएगा। इसलिए कहता हूं दुर्योधन को बड़ा मजा आ रहा था। उतार दो द्रौपदी के कपड़े, वाह वाह, उतार दो सारे कपड़े, उतार दो दुशासन सारे कपड़े, निर्वस्त्र करो द्रौपदी को। बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को, आहा खूब हंस रहा, तमाशा देख रहा। आजा 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 मेरी जंघाओं पर बैठ जा, आओ इसके कपड़े उतार दो और मेरी जांग जंघाओं पर बिठाओ। बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को। पाप करने में कितना मजा आता क्यों? और जब परिणाम आएगा 15 साल बाद, दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा कि मेरी जांघों पर आकर बैठ जाओ, कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो दुशासन। जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े पकड़े थे ना, उस दिन से 15वें साल दुर्योधन का, कौरवों का सर्वनाश हो गया। ओनली 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में करोड़ों लोग मारे गए। कोई पानी देने वाला नहीं बचा। पाप करने में बड़ा मजा आता है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, खूब मजा आता है। कर लो भैया, कर लो, झूठ बोल लो, छल कर लो, ठग लो, लूट लो दुनिया को। लेकिन जब ईश्वर अपनी लाठी, कहते ना ईश्वर की लाठी में आवाज, हाँ पता भी नहीं चलेगा कहां से मारेगा। इसलिए कहता हूं रे बाबा, संभल संभल कर चलना रे भैया। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर। समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका लेखा जोखा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। अच्छी करनी कर लो री मैया, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर। समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। सबका पैन कार्ड बना हुआ है ईश्वर की दुकान में, सबका नंबर चढ़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा, बोलना ही पड़ता है आज के जमाने में। क्यों, ऐसी निवेदन है आपका? ऐसी बात है, कितना भी नुकसान हो जाए क्या जाएगा? जब हम मरेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, तो मरने के बाद सब छूटेगा, तो जीते जी छूट जाए तो छूट जाए, सब छूट जाए पर सत्य न छूटे। हरिश्चंद्र मर गए, बिक गए बाजार में, पर सत्य को नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए, सत्य को नहीं छोड़ा, प्राण जाए पर वचन। आज के लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग, महाराज जी झूठ नहीं बोलेंगे दुकान नहीं चलेगी। तुम कह रहे हो झूठ नहीं बोलेंगे दुकान नहीं चलेगी, अरे झूठ बोलने से तुम्हारी दुकान इतनी चलती है तो सच बोलने से और कितनी चलेगी? तुम्हें झूठ पर विश्वास है, सच पर विश्वास नहीं। अच्छा एक बात बता, जिसकी मिठाई में घी कम होता है और जिसकी मिठाई में घी ज्यादा होता है, जो मिलावटी मिठाई बेचते हैं और जो शुद्ध देसी घी की मिठाई बेचते हैं,
तो शुद्ध देसी घी की मिठाई बेचने वाले को थोड़ा ये प्रूफ करने में टाइम लगता है कि भाई साहब मेरी मिठाई शुद्ध है। और जिस दिन प्रूफ कर लेगा वो, उस दिन उसे ग्राहकों की कमी ना होगी। आदमी 200 रुपए ज्यादा देगा इस विश्वास से कि भाई इस आदमी के साथ हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा, ये झूठ नहीं बोलता। और जो बेईमानी से मिठाई बेच रहे हैं, बेईमानी से काम कर रहे हैं, एक जगह एक मिठाई वाले को मैं जानता हूं, पूरे क्षेत्र की मिठाई वाले ना रोते हैं। और वो एक मिठाई वाला है, ग्राहक कम नहीं, उसकी मिठाई बनी के बनने के 2 घंटे के अंदर खत्म, और महंगी 1000 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो, 5000 रुपए किलो, लेकिन लोग बताते हैं उसके बारे में कि वो आदमी क्वालिटी से समझौता नहीं करता। अब बताओ उसकी दुकान इतनी चलती है तो झूठ के बल पर चल रही है? आपके क्षेत्र में सुनार बहुत होते हैं, पर किसी सुनार के पास ज्यादा भीड़ होती है? बस विश्वास जीतने की बात है ना, लोगों को ये विश्वास हो जाए कि आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, और लोगों को पता लग जाए कि आदमी बेईमान है, और बेईमान होने के बाद आदमी पूरा सही काम करे तो आदमी विश्वास नहीं करेगा। लोग कहते हैं ना कि सच्चाई का जमाना नहीं रहा, ना मेरी माँ, ये धरती सच्चाई के बल पर ही टिकी हुई है। आपका जो सवाल है मैं शाम को समझूंगा, कल उत्तर दूंगा, ठीक है? पर आपको सबको हम कह रहे हैं, झूठ पर नहीं, सच्चाई पर, ईमानदारी। आज यदि आप मार्केट में रहना चाहेंगे ना, तो आप मार्केट में जाके देखिए, आप शुद्ध देसी घी खरीदने जाइए। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हमारा घी शुद्ध है, और जिनने विश्वास जीत लिया उनका कितना भी महंगा हो बिकेगा, और विश्वास नहीं जीता तो वो शुद्ध ही देते हैं पर कोई ग्राहक नहीं। तो बात विश्वास की है या नहीं? तो आज भी संसार किस पर चल रहा, झूठ पर या विश्वास पर, सच पर? बोलो, सच पर या झूठ पर? ये पूरा बाजार खड़ा है सच पर मेरी माँ। माना कि झूठे लोग हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी झूठ नहीं है, रीढ़ की हड्डी तो सच है। इसलिए आप सच के साथ चलो। आज जितने भी नाम वाले ब्रांड हैं, जो भी बड़ा नाम है, वो केवल इसलिए कि वो अपनी क्वालिटी बना के रखते हैं, सच पर चलते हैं, जो पैसा लेते हैं वो काम देते हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जो पैसा ले लिए पर चीजें टिकाऊ नहीं है। अब मार्केट में टीवी है, पंखा है, आप लोकल चीजें खरीद लेते हैं, 2-4 महीने में ही बिगड़ जाता है, पर जो ब्रांडेड चीजें हैं पैसा तो लगेगा, पर वो चीजें सत्य पर चल रही हैं। वो कह के देते हैं कि भाई 1-2 साल की गारंटी है, हम सुधार कर देंगे, ये है वो है, और चीजें टिकाऊ है। मतलब सत्य जो है ना आज भी बाजार में है। क्या कहते हैं आप, है सत्य नहीं होगा ना? अरे और की क्या कहें, सट्टा बाजार चलता है। सट्टा नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सट्टा भी सत्य पर ही टिका हुआ है। आपने सट्टा लगाया, उसका कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं कि आपने लगाया है, पर आपने यदि जीता है तो सामने वाला आपको पैसा देता है। है बेईमानी का काम, है गलत काम, पर उस गलत काम में भी वो चल इसलिए रहा क्योंकि वहां भी ईमानदारी है, देना पड़ता है उसको, जो
जो जीत गया उसे देना पड़ता है। अब चोर चोरी करते हैं पूरी रात, पर चोरी करने के बाद बंटवारा करने के समय क्या बोल दो भाई, ईमानदारी से करना, खुद बेईमान है लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, ईमानदारी। तो ईमानदारी के बिना तो गुजारा किसी का नहीं है ना मेरी मां है, किसी का गुजारा हो तो बताओ। आप कितना भी बेईमान हो जाओ लेकिन ईमानदारी और सत्य की जरूरत पड़ेगी। और ये पृथ्वी आज माना कि 100 में से 99 लोग बेईमान हो गए माना कि, पर जो एक आदमी ईमानदार है उस एक आदमी के बल पर ये पृथ्वी, ये धर्म संस्कृति टिकी हुई है, वो एक के बल पर। जिस दिन वो एक बिगड़ जाएगा उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, उस दिन प्रलय हो जाएगा। इसलिए हमने कहा सजन रे झूठ ना बोलो प्रभु के, सब देख रहे हैं भगवान, इसलिए जो आज किया वो कल मिलना। इसलिए दोष किसी को ना दो कि तुम्हारे कारण, हमारे कर्म दंड है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को दुखी नहीं करते, केवल कर्मों का दंड मिलता। इसलिए अच्छे कर्म करो बुरे नहीं।